पलवल में हुई मूसलाधार बरसात से गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ है। तेज आंधी तूफान के चलते खेतों में लहलाती गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई। इसके चलते फसल के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। पलवल में हुई मूसलाधार बारिश से गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी तूफान के चलते खेतों में लहलाती गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई है, जिसके चलते फसल के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने बताया कि जिले में पलवल ब्लॉक में 44 mm बारिश हुई है। वहीं होटल और हथीन में 35-35 mm और हसनपुर में 30 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगे भी निर्देश जारी किया है कि 4 और 5 मार्च को भी गरज चमक के साथ हवा के साथ बारिश हो सकती है, इसलिए किसान भाई और ध्यान दें। किसान भाई इस समय एक बात का ध्यान रखें कि जहां खेत में पानी खड़ा हो गया है उस पानी को निकाल दें, खेत में पानी ना खड़ा रहने दें और गिरी हुई फसल को उठाने का प्रयास न करें। फसल स्वयं ही धीरे धीरे उठती है, तो इस तरफ भी वो ध्यान रखें। किसानों को इस समय बारिश से लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि किसान की कड़ी मेहनत का परिणाम फसलें होती है और उस 6 महीने के बाद उसे अपने परिश्रम का जो परिणाम मिलता है, तो उसमें जब उसे घाटा आने की संभावना बढ़ती है तो किसान की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। तो इस फसल से लाभ के बजाय किसान को या फसलों को नुकसान ज़्यादा हुआ है। किसान दिनेश कुमार ने बताया कि करीब 1 घंटे तक हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई, जिसके चलते गेहूं की फसल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पलवल जिले में करीब 96 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती की जाती है। बारिश के चलते गेहूं की फसल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पलवल से दिनेश कुमार, टोटल न्यूज़।